मणिपुर को आपने और आपकी योजनाओं ने, आपकी पॉलिटिक्स ने जला दिया है। और आज तक हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री मणिपुर नहीं गए हैं। हिंदुस्तान की हिस्ट्री में जनता से स्टेट्स छीने गए हैं। जम्मू कश्मीर लद्दाख से आपने पहली बार स्टेट छीना है। मणिपुर को आपने सिविल वॉर में डुबा दिया है। मणिपुर को आपने और आपकी योजनाओं ने, आपकी पॉलिटिक्स ने जला दिया है। और आज तक हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री मणिपुर नहीं गए हैं। ऐसा लगता है कि मणिपुर हिंदुस्तान का प्रदेश नहीं है। प्रधानमंत्री के लिए मणिपुर स्टेट ही नहीं है। मणिपुर में सिविल वॉर हो ही नहीं रही है। और एक बार बयान दिया हमने, मतलब प्रेशर लगाया, हम गए, हमने प्रधानमंत्री से कहा एक मैसेज दे दीजिए, मणिपुर चले जाइए, जनता की वहां रक्षा कीजिए। नहीं, मैं वहां गया, कुकीज और मेहते इससे दोनों से मिला। आज तक नहीं, आंसर नहीं मिलेगा, मिल नहीं सकता। मणिपुर इनके लिए हिंदुस्तान का प्रदेश ही नहीं है। मणिपुर है ही नहीं, मणिपुर है ही नहीं, ना होम मिनिस्टर के लिए, ना प्रधानमंत्री के लिए है ही नहीं, एग्जिस्ट नहीं करता, वो है ही नहीं। ना प्रधानमंत्री जाएंगे बोलेंगे कुछ नहीं, जैसे कुछ नहीं हुआ वहां पे। मैं रिलीफ कैंप में गया, एक औरत कांपती हुई, रोती हुई मुझे कहती है कि मैंने अपनी आंखों के सामने, हाँ मैं औरतों की बात कर सकता हूं, एक भाई मैं कर सकता हूं, एक भाई एक कर्तव्य निभा रहा है। आप अपने संगठन में महिलाओं को नहीं डालते हो, मगर मैं औरतों की बात कर सकता हूं। मुझे कहती है मैंने अपने आंखों के सामने, मेरे आंखों के सामने मेरे बच्चे को गोली मारी गई। मैं भागना नहीं चाहती थी, मैं मरना चाहती थी, उसके साथ मरना चाहती थी। मुझे घसीट के वहां से ले गए और फिर मेरे को अपने बच्चे की फोटो दिखाती, कांपती हुई ऐसे फोटो दिखाती है। ये आपकी योजनाओं का नतीजा है, आपको शर्म आनी चाहिए। एक दिन प्रधानमंत्री 8 बजे कहते हैं, पता नहीं फाइन ट्यूनिंग हो गई भगवान के साथ, डायरेक्ट मैसेज भगवान, सर सर ने बोला है, सर प्रधानमंत्री ने ये बोला है, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, प्रधानमंत्री ने बोला है कि मेरा डायरेक्ट कनेक्शन है भगवान के साथ, मैंने नहीं बोला। सोशल मीडिया से बोल दो, भगवान जगन्नाथ। एक मिनट, माने राहुल गांधी जी, एक मिनट रविशंकर जी, प्लीज एक मिनट। माननीय सदस्यगण, आप वरिष्ठ नेता हैं, सदन के नेता होते माननीय प्रधानमंत्री जी, और हम सबको माननीय प्रधानमंत्री जी का सम्मान करना चाहिए। ये सदन में हमेशा उच्च कोटि की परंपरा मर्यादा रही है। नौ सर, गौरव, अगर आपको स्पीकर सर, मैं पुरानी पार्टी है, गौरव स्पीकर सर, मैं रिस्पेक्ट कर रहा हूं,
ये प्रधानमंत्री के शब्द है, मेरे शब्द नहीं है। ये प्रधानमंत्री जी ने कहा है पब्लिक में, मीडिया को कहा है कि मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं, मेरा डायरेक्ट कनेक्शन भगवान के साथ है। मैं नहीं बोल रहा हूं, प्रधानमंत्री मोदी जी ने बोला है। तो पता नहीं उस टाइम 8 बजे भगवान का मैसेज आया होगा हिंदुस्तान के, हिंदुस्तान वही। मगर फिर श्री राम ने आपको दूसरा मैसेज दे दिया अयोध्या में। भगवान का मैसेज आया होगा मोदी जी नोटबंदी कर दीजिए, नोटबंदी कर दिया डायरेक्ट, ऊपर से आया मैसेज, ऑर्डर आया खटाक। और अलग अलग ऑर्डर आते हैं, अदानी जी वाला ऑर्डर आता है बंबई एयरपोर्ट, अदानी जी का ऊपर से ऑर्डर आता है खटाक खटाखट 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 ऑर्डर आते हैं। तो नोटबंदी कर दी, स्मॉल और मीडियम बिजनेसेस जो हैं, जो हिंदुस्तान की रोजगार की रीढ़ की हड्डी है, बैकबोन है, उड़ा दिया खत्म कर दिया। आज नतीजा यह है कि ये जो भी करना चाहे करें, हिंदुस्तान के युवाओं को रोजगार नहीं मिल सकता। जॉब क्रिएशन बैकबोन इज ब्रोकन, फिनिश, खत्म। नोटबंदी की, गलत जीएसटी लागू की, उड़ा दिया। अब मैं सोचता हूं, पहले मैं सोचता था ये पता नहीं कैसे हुआ, अब मैं समझता हूं कि ये अदानी जी अंबानी जी जैसे लोगों के लिए किया गया। ये रास्ता साफ करने का तरीका था, रास्ता साफ करने का तरीका था। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उनके पीछे पड़ा रहता है, जीएसटी डिमोनेटाइजेशन 24 घंटा उनको तंग करते हैं, उनके कैश फ्लो को रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश करते हैं, कैश फ्लो को क्रश करने की कोशिश करते हैं कि वो परे हट जाएं और अरबपति उनकी जगह ले लें। आप किसी भी छोटे व्यापारी से पूछ लो, किसी भी स्मॉल एंड बिजनेस, स्मॉल मीडियम बिजनेस ओनर से पूछ लो, ये आपको बता देगा। गुजरात में मैं गया, टेक्सटाइल ओनर्स के साथ मेरी बात हुई, मैंने उनसे पूछा नोटबंदी क्यों हुई, जीएसटी क्यों हुई, साफ बोला अरबपतियों की मदद करने के लिए जीएसटी और नोटबंदी की गई है। नरेंद्र मोदी जी अरबपतियों के लिए काम करते हैं, सीधी सी बात। मैं जाता रहता हूं और आपको गुजरात में हराएंगे इस बार, आप लिख के ले लो आपको ऑपोजिशन इंडिया गठबंधन गुजरात में हराने जा रहा है। किसानों को डराने के लिए लैंड एक्विजिशन बिल जो हम लाए थे, उनकी जमीन की रक्षा करने के लिए, उनको सही कॉम्पनसेशन देने के लिए, उसको आपने खत्म कर दिया। यहां कोशिश की, कर नहीं पाए तो स्टेट्स में खत्म कर दिया, हर स्टेट में आपने खत्म कर दिया। अगर आप जानते नहीं हो चेक कर लो,